जी यार, वीडियो बनाने का कुछ था नहीं, मोटिव कुछ भी। एक्चुअली ये प्रिंस भाई बात कर रहे हैं ऐसे प्यार के बारे में और किसी शख्स के बारे में, तो जस्ट उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए जी, प्यार वही है जो माता पिता जी आपसे करते हैं, आप तो उनसे करते नहीं हो। आप तो उनका कहना नहीं मानते। लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए अपनी कुछ चीज़ों को मनाने के लिए हम लोग अपने घर वालों से लड़ पड़ते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं, मरने मराने तक पहुंच जाते हैं। कई लोग भाई बहन सूली पर लटके जाते हैं, मरते नहीं हैं साले, लटके जाते हैं फिर भी। ठीक है, दिखावा करते हैं, हम कुछ खा लेंगे, हम कुछ ऐसा कर लेंगे, बाजू काट लेते हैं, नसें काट लेते हैं, हर कुछ ही करते हैं। माँ बाप ऐसे हैं और उनका प्यार ऐसा है कि वो अपने आप को कुछ कर भी नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? वो कुछ कर क्यों नहीं सकते? अगर करेंगे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चों का क्या बनेगा? वो चीज़ें सोचते हैं फिर। ठीक है, तो असली प्यार माँ बाप का ही है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। अगर बच्चे भी हैं जो करते होंगे, बट उनका प्यार उतना नहीं है जितना माँ बाप का होता है। क्योंकि हम लोग अपने कुछ रिश्ते होते हैं जो बाहर हमें यारी दोस्ती के होते हैं या प्यार मोहब्बत के होते हैं, लड़का लड़की के साथ कुछ, राइट, या किसी चीज़ को पाने की चाहत होती है, ख्वाहिश होती है, उसके लिए हम लोग अपने पेरेंट्स को काफ़ी हद तक दुख देते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, चाहिए ऐसा वैसा वैसा, राइट। तो इसलिए वो प्यार नहीं। बाकी अगर आप कहते हो कि मैं किसी लड़के से प्यार करता हूँ या किसी लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी प्यार नहीं है यार। पहले साला उसके साथ प्यार था, दूसरी दफ़ा वो लड़का या लड़की आपको छोड़ के चले गई, फिर आपका प्यार वो किसी और लड़के लड़की के लिए हो गया, फिर वो काहे का प्यार? उसको प्यार नहीं बोल सकते यार। ऑलरेडी ये चीज़ मैं मेंशन कर चुका हूँ पहले भी, तो इस चीज़ को दोबारा रिपीट करने का सिर्फ मकसद मेरा ये था। छोटी सी वीडियो में बता दूंगा कि ये जो मेंटली अपसेट हो रहे हैं, जिन्हों मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है उनको फ़ोन पर, कि क्या है क्या नहीं है, जस्ट उसका जवाब दे रहा हूँ। प्यार वही है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। ठीक है, प्यार माँ बाप किसी जानवर को भी देखा होगा तड़पते हुए, किसी माँ का कोई पिल्ला मर जाता है, बच्चा मर जाता है, राइट, किसी डॉग का, तो उसके बाद उनके माता पिता कैसा बिहेव करते हैं हम लोग देखते हैं। डॉग लवर या एनिमल लवर समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, वो प्यार होता है, वो है प्यार, तड़प, किसी चीज़ के लिए तड़प कि बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का सोचते हैं कि वो कैसा होगा, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, उसका फ़ोन कहीं वेटिंग पे तो नहीं जा रहा, अगर वेटिंग पे जा रहा तो किसके साथ जा रहा, वो काहे का प्यार है अगर आपका प्यार ही किसी और के साथ है? तो ये चीज़ होती है। अभी ये पीछे से क्वेश्चन और पूछे, इसको भी इसी में ले लेता हूँ। शक करना सही चीज़ होती है कि नहीं होती? शक करना सबसे अच्छी चीज़ होती है। जो इंसान शक नहीं करता ना, उसका रिलेशन कभी चल नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? हम लोग किसी के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में वो इंसान किसी और के साथ फ़ोन पर लगा है, किसी और के साथ, बस मैं बोलना नहीं चाहता, समझ लो मैं कहाँ बोलना चाहता हूँ। तो शक करते हो, शक इतना भी मत करो अगला बंदा शक से मर जाए। शक करो, एक लिमिट का करो, डार्लिंग सोना बेबी आप कहाँ वेटिंग पे थे, या डार्लिंग सोना बेबी आप क्यों वेटिंग पे थे, ठीक है, एक रीज़न हो उससे। ऐसा नहीं उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाओ कि तेरा फोन वेटिंग पे आ रहा था, किसके साथ लगी थी, वो बोले मैं बुआ जी के साथ थी, बुआ जी का नानी मेरे को याद आ रहा कि मैं बुआ जी के साथ थी। बट एक होना चाहिए, जिससे भी प्यार करो, जिनसे भी करो, एक होना चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए और थोड़ा सा शक भी करे। अगर शक नहीं करेंगे हम, ऐसे किसी को खुला छोड़ देंगे ना, वो खेतों में जंगलों में जाएगा। तो थोड़ा सा ही बैलेंस करके रखे, हर चीज़ को बैलेंस करके रखे। जैसे हम लोग अपने बच्चों को, जब माँ बाप अपने बच्चों को डांट के रखते हैं बचपन में, आपको भी हो, मेरे को भी, इनको भी माँ बाप ने हमेशा डांटा होगा, ये नहीं करना बच्चे, वो नहीं करना, अगर वो नहीं करते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। सो बस इतना ही है, थैंक यू सो मच।